जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय दामकिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय दामकिरवन कुंज बिहारी जय दामकिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गौर ब्रह्मानंदे ओम ज्ञानते मिरामंदस्य ज्ञानाजन सलक से जो इको है ना इको गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा मुद्दा है जी वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की हरे कृष्ण हरि बोल चतुरासी की दासी हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये दरवाजा खोल दो, खुला है। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम श्रीधर। महाप्रभु उनको पास में गए, जा करके बोले श्रीधर, प्रभु बोले श्रीधर तुम जे बोल अनुक्षण हरि हरि बोल तार दुख की कारण। बोले श्रीधर तुम तो दिन रात हरि हरि बोलते हो, भगवान का नाम कीर्तन करते हो, फिर तुम्हारी घर में ये दुख क्यों है? इसलिए कभी कभी हम लोग भी बड़ी शंका में पड़ जाते हैं। इस जगत में आप देखिएगा अक्सर करके लोग शंकर जी हैं, कहते श्री देवी जी, गणेश जी, हनुमान जी, कहते दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा करते हैं। बोले क्यों करते हैं? कहते हम दुनियादारी हम चीज चाहते हैं, हमको तो धन दौलत पुत्र परिवार हैं, दुकान मकान ये सब चीज चाहिए। बोले भगवान विष्णु कृष्ण नारायण को वही उपासना करते हैं जिनको जगत से मुक्ति चाहिए, संसार बंधन से उधार चाहिए, लेकिन हमें तो ये दुनियादारी चीज चाहिए। इसलिए कभी कभी भक्त लोग कभी कभी बड़े दुखी हो जाते हैं। इस
इसलिए महाप्रभु ये शंकाओं को दूर करने के लिए ये श्रीधर को द्वारा ही ये बात को बताना चाहते हैं। महाप्रभु बोले, श्रीधर देखो, ये दुनिया में ही कोई देवी की श्री है, देवी की पूजा करते हैं और दुर्गा की, शंकर जी को, विश्वहरि को पूजा करके देखो कैसे ठाड़ वाड़ से रहते, दुकान मकान घर बढ़िया चकाचक रहते, और तुम्हारी क्या है, 10 जगह पर गांठ पड़ा हुआ वस्त्र में, और छोटी सी झोपड़ी तुम्हारी घर है, और तुम इसी में रहते हो, क्या दिन भर तो हरी हरी करते हो, भगवान का नाम लेते हो, फिर दुख क्यों, घर में खाना पीना क्यों नहीं है। तब यहाँ पर श्रीधर गए थे, बोले प्रभु भूखा तो रहता है नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मेरे को मिल जाता है, हैं? मैं कभी भूखा नहीं रहता हूं, पेट पाल ही लेता हूं, रहने के लिए भगवान किसी ना किसी तरह से एक झोपड़ी दे रखे हैं, पहनने के लिए, पहनने का मूल उद्देश्य शरीर ढकना, कपड़े से तो किसी तरह शरीर ढक ही लेता हूं। इसलिए अभी यहां पर प्रश्न है, कहते भैया जो नारायण को भजन करते हैं, हैं, भजन करते हैं नारायण को, नारायण तो लक्ष्मीपति, जब लक्ष्मीपति को उपासना करते हैं उनको घर में तो लक्ष्मी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन उनके घर में लक्ष्मी नहीं है। लेकिन जो शंकर जी को पूजा करते हैं, शंकर जी कहाँ रहते हैं, बोले बर्फ के ऊपर में, पहाड़ में रहते हैं शंकर जी, बर्फ के ऊपर रहते हैं। लेकिन जो शंकर जी को, देवी जी को पूजा करते हैं, वो माला माल है, घर में पैसा ही पैसा है, ये इसका क्या रहस्य है, हैं? तब ये रहस्य को बताते हैं, कहते जो साधारण व्यक्ति, जो लोग साधारण व्यक्ति अगर कभी भगवान कृष्ण को व नारायण को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करके वो लोग चाहते हैं क्या, कहते हैं भगवान की भक्ति ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं भगवान को भक्ति करके हमारे घर में धन दौलत पुत्र परिवार से भर जाए। लेकिन ये जो संसार की जो वस्तु है ये अनित्य, लेकिन भक्त लोग क्या चाहते हैं, कहते भक्त लोग ये दुनियादारी वस्तु नहीं चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी। तो बोले हे प्रभु, हमें धन जन पुत्र परिवार हमें नहीं चाहिए, हमें तो जन्म जन्मांतर में आपका चरण में हमें भक्ति चाहिए, आपकी सेवा, आपकी हमें प्रेम चाहिए, क्योंकि एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। ये जो संसार की जो वस्तु है, कहती है तो कुछ समय के लिए ये धन दौलत पुत्र परिवार है, लेकिन ये क्या होगा, कुछ दिन बाद में ये नहीं रहेगा, ये वस्तु रहेगी नहीं, एक दिन सबके सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या ले के आया जगत में, क्या ले करके जाओगे। इसलिए कृष्ण नाम तो भजले मनवा भवसागर पार हो जाओगे, धन दौल अतर पुत्र परिवार यहीं पड़ा रहे जाएगा, हैं? इसलिए और थोड़ी दिन के लिए ही ये दुनिया की चकाचौंध है, और यही वस्तु ही एक दिन घोर बंधन का कारण बन करके हम जन्म जन्मांतर इस संसार में भटकते रहते हैं, हैं? जैसे कैलाश ने, जब नारद जी ने कहा भजन करो, बोले बेटा का शादी हो जाए फिर तो भजन करूंगा, शादी हो गया, बोले अभी बच्चा के नात पोता होने वाले हैं, पोता होने वाले, पोता का मुंह देकर भजन करेंगे, फिर देखा उसी घर में कुत्ता बन करके आया, बैल बन करके आया, फिर उसी घर में सर्प बन करके भी आया उस संसार में। इसलिए जो संसार की जो वस्तु है क्या करता है, ये संसार में हमें जन्म जन्मांतर के लिए ये हमें दुख कष्ट देता है। लेकिन जो भक्ति है, कहती ये क्या है, ये श्रेय, यद्यपि दिखता है भक्त लोग साधारण रूप में रहते हैं, साधारण रूप में खाते हैं, इतने धन दौलत है नहीं, जैसे हमारी गोस्वामी लोग थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, ये साधारण घर के सबके सब थे नहीं, ये सबके सब अमीर घर के हैं। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतने बड़े घर के थे, कैसे घर, कितने बड़े घर के, बोले कहते इंद्र तुल्य ऐश्वर्य, जिनके घर में इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य था, और पत्नी कैसे थी, कहते पत्नी अप्सरी जैसे थी,
इतने बड़े घर के थे श्री हैं, इनकी साल की जो कमाई हैं कहते 12 लाख स्वर्ण मुद्रा जिनकी कमाई। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते राजा घर के बच्चे। सनातन गोस्वामी हम तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं, उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए उसी समय में उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी छोड़ी। और आगे क्या करते थे, कभी चाना कभी उभी मना, एक एक वृक्षों के नीचे एक एक दिन रुक करके हैं, एक एक दिन वृक्ष में एक एक दिन रुक करके भगवान की भक्ति भगवान की ये भजन करते थे हैं। लेकिन इसलिए क्या दिखता है, ये भक्त लोगों को क्या दिखता है, कहते भक्त लोग क्या दिखता है, जैसे ये बड़े जैसे दुखी और दीनहीन है, दीनहीन दुखी जैसे लगता है इनको, लेकिन वो दुखी नहीं थे। ऊपर दिखता है जैसे ये दुखी है लेकिन वो दुखी नहीं थे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासै विद्या दुख, प्रभु ये आत्मा निवेदन तू आप दे करी है नो परम सुखी, दुख दूर गेला चिंता न रहिला चौधी के आनंद दे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख। ऊपर से क्या दिखता है, भक्त लोग साधारण सा साधारण रूप में खाते पीते रहते हैं, लेकिन अंदर में देखोगे ना आनंद की समुद्र है, भक्तों की हृदय में आनंद की समुद्र लहरी, आनंद की लहरी इनके हृदय में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऊपर से क्या दिखता है दीन ही, लेकिन अंदर में माधवेंद्रपुरी है, ऊपर दिखता है लेकिन अंदर में देखो कृष्ण प्रेम रस समुद्र में गोता लगाते रहते हैं। इसलिए बोले कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नैतार एक बिंदु। इसलिए कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी इसका एक बूंद के बराबर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, हैं श्री श्रीधर महाप्रभु जब श्रीधर जी को पूछे, श्रीधर कहते बोले प्रभु जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे 10 मंजिल 50 मंजिल ऊपर में रहते हैं, लेकिन एक चिड़िया को देखना उसको ऊपर में घोसला सर को पर घोसला बना करे, वो 50 मंजिल में रहता है उसको ऊपर में घोसला बना करे चिड़िया रहता है, हैं? इसलिए वो भी अपना जीवन जीविका निर्वाह करता है, हैं? इसलिए वो भले ही दिन में तरह तरह का भोजन करते हैं, लेकिन भक्त लोग भले ही इतना तरह का भोजन नहीं कर पाए साधारण रूप में भोजन करते हैं, लेकिन उसमें तृप्त रहते हैं, उसमें आनंद रहते हैं भक्त लोग। दुनिया की कोई चिंता नहीं, केवल एक चिंता भगवत भक्ति में है, कैसे उसमें कैसे डूबे रहो। कहते श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, एक बार इनको है किसने एक एक कंबल देकर गया, ठंडा का समय में बहुत एक सुंदर कंबल देकर गया, देकर गए तो उन्होंने रात को उन्होंने ओढ़े करके सोए, लेकिन जब गर्म बड़ा सुंदर कंबल में सो गए ओढ़ कर क्या होगा, बढ़िया नींद आएगा, और इतने बढ़िया सुंदर नींद आया उनने क्या किया, दूसरे दिन वो कंबल को लेकर के ना जिस सेठ ने दिया था, भैया ये कंबल तू लेकर रख ले, ये कंबल तू रख ले। हम साधारण रूप में सोते थे, सवेरे उठ करके हरिनाम करते थे, भजन करते थे, और तुम्हारी कंबल को ओढ़ करके सोए तो सवेरे उठ नहीं पाए, हमारा भजन ही नहीं हुआ, इसलिए भैया तेरे कंबल को ले ले। किसने उनको 1 रुपया दिया, उस समय 1 रुपया की बड़ा कीमत था, है बड़ा कीमत था 1 रुपया की, लेकिन जो 1 रुपया दिया उन्होंने रात भर उनको नींद नहीं आई, है नींद नहीं आई, क्योंकि पास में 1 रुपया ना उस समय 1 रुपया का बड़ा कीमत है, नींद नहीं आई, भाई कोई ले नहीं जाए कहां पर 1 रुपया, चिंतन में। फिर उनने दूसरे दिन आकर के ना 1 रुपया उस सेठ को वापस दे दिया,
बोले भैया एक रुपया की गर्मी में रात भर सहन नहीं कर पाया, तो इतने रुपया की गर्मी को कैसे सहन करके रखे हो? एक रुपया की गर्मी हमें रात भर सोने नहीं दिया। एक समय एक सेठ ने देखा एक है एक भक्त है और जूता सिलाई करता है, मस्त रहता है एकदम पूरा भगवान का कीर्तन करता है, ओ आनंद में भगवान के भजन में पूरा मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं। एक सेठ ने देखा भैया ये तो बड़ा मस्त रहता है, आनंद में रहता है, मेरे पास में इतने पैसा, लेकिन इसकी अंदर में जो मस्ती है वो मस्ती मेरे अंदर में नहीं, ये तो गा रहे हैं इसका, ये तो गा रहे हैं और बड़े नाच रहे हैं, प्रभु का भजन में मस्त है। उसने क्या किया, वो जो सेठ ने कुछ रुपया पैसा लाकर ना गठली बांध करके उन्होंने उस व्यक्ति को भैया तू ये पैसा को रख ले। जब दे दिया, अभी तक तो कीर्तन कर रहा था, अभी तक तो भजन कर रहा था, लेकिन जब उसने गठली में पैसा दे दिया ना, उसका कीर्तन उस समय बंद, कीर्तन बंद हो गया मुंह से। बोले क्यों भैया यहाँ पैसा रखा हुआ? बोले गठली में पैसा, इसको कोई पता किस पक्ष को किसको पता नहीं चलेगा, तो फिर उठाकर ले जाएगा तो फिर क्या होगा, है फिर क्या होगा पैसा को? और किसी तरह से जब घर में लेकर गया ना, रात भर तो उसको नींद नहीं आई और मुंह से जो भजन निकल रहा था, भजन ही नहीं निकला उसका मुंह से, क्योंकि वो पैसा को कहाँ रखेंगे? अगर दरवाजा थोड़ी सी खड़ा हो गया ना, भैया चोर तो नहीं आ गए लेने के लिए, रात भर नींद नहीं आया, जो उसकी मस्ती सी सारे मस्ती खत्म। उसने दूसरे दिन ला करके सारे पैसा, भैया ये पैसा को तू रख ले, ये पैसा तेरे पास तू रख ले, हमें ये पैसा की जरूरत नहीं, हम तो बढ़िया है, हम भगवान के भजन करते हैं, आनंद में रहते, भैया कोई चिंता है नहीं। इसलिए बोले विषय अधूरे कृष्ण जानिया निश्चय, विषय थाकित कृष्ण प्रेम नहीं आए, हैं विषय थाकित कृष्ण प्रेम नहीं आए, विषय अधूरे कृष्ण जानिया निश्चय, जितना विषय उतना चिंता उतना टेंशन है। इसलिए विषय दूर कृष्ण जानिया निश्चय, विषय से भगवान दूर है, इसलिए बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मदपुमान। इसलिए मैया कुंती कहती है बोले प्रभु जिसको पास में चार चीज होगा ना तेरा भजन नहीं करेगा, जिसको जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, ये चार चीज, अरे इसमें चार चीज की छोड़ दो, एक चीज आ जाए ना उसका इतना गर्मी है वो तुमको भजन करने नहीं देगा प्रभु। इसलिए नमो अकिंचन विताय निवृत गुणवृत, तुम तो अकिंचन का ही तुम। इसलिए यहाँ प्रभुपाद बहुत बड़ी टीका लिखते हैं, हैं बहुत बड़ी सी विषय पर टीका लिखते हैं प्रभुपाद, यहाँ पर कहते हैं। अभी यहाँ पर फिर प्रश्न होता है, जो लोग लक्ष्मीपति को पूजा करते हो गरीबी साधारण क्यों रहते हैं, और जो शंकर देवी विषहरी इनको पूजा करते पैसा पैसा वाला क्यों होते हैं, कारण है क्या? बोले कारण है कि जितने देवा देवी ना ये त्रिगुण का अधीन में है, त्रिगुण का अधीन में, और अब तुम जिसको पूजा करोगे तुमको वही चीज मिलेगा ना, जिसको पूजा करोगे तुमको वही चीज मिलेगा, इसलिए त्रिगुण का अधीन होने का नाते इनकी पूजा करने से धन दौलत पुत्र परिवार मिलता है, लेकिन उसका परिणाम क्या? उसका परिणाम बंधन। लेकिन भगवान की उपासना करने से फिर ये धन दौलत क्यों नहीं मिलता? बोले भगवान निर्गुण, क्या हरि ही निर्गुण साक्षात, भगवान निर्गुण तीन गुण से अतीत भगवान है, इसलिए उनको पूजा करने से भगवान उसको देते हैं कौन सा वस्तु देते हैं, उसको निर्गुण वस्तु, भगवान निर्गुण है इसलिए उसको भगवान निर्गुण वस्तु देते हैं, वो क्या है? बोले कृष्ण, इसलिए उनको क्या देते हैं, उनको भगवत प्रेम प्रदान करते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, जिसको द्वारा इसी जीवन में भी सुखी रहे और उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, हैं आनंद ही आनंद है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या भगवान फिर देते नहीं भक्तों को ये पैसा? बोले देते हैं, लेकिन कब देते हैं? तभी देते हैं जब ये हजम कर पाएगा, जब ये हजम करेगा तभी देते हैं। और भगवान इतना देते हैं ना, और कोई देवा देवी इतना दे नहीं सकते हैं, ठाकुर जितने देते हैं ठाकुर जी इतना और कोई दे नहीं सकते हैं, ठाकुर जितने देते हैं, हैं? सुदामा को पहले नहीं दिया, लेकिन दिए तो छपर फाड़ करके दिए, छपर फाड़ करके सुदामा जी को दिए हैं। इसलिए जैसे एक व्यक्ति का दो बेटे हैं, है? एक व्यक्ति का दो बेटे हैं, अभी एक बेटे का पेट खराब है और एक बेटे का पेट सही है,
लेकिन भैया क्या करती है, जिस बेटा का पेट खराब है ना उसको पतली पतली खिचड़ी बनाकर खिलाती है, है? और जिस बेटा का तबियत सही है ना उसको लड्डू कचौड़ी मालपुआ है रसमलाई छेनापोड़ है उनको बढ़िया बढ़िया उसको खिलाती है। एक ही मैया है, एक मैया है, है? लेकिन दोनों बच्चों को क्या करती है, जिसका पेट पतला उसको पतली खिचड़ी और जिसका पेट सही उसको बढ़िया लड्डू कचौड़ी मालपुआ खिलाती है। बोले भैया एक मैया दोनों बच्चों के प्रति ऐसे भेदभाव क्यों? बोले नहीं, जिसको जो चीज देने पर कल्याण है माँ को वो चीज पता है, इसलिए वही चीज उसको वो प्रदान करती है, वही चीज प्रदान करती है, इसलिए भगवान देते हैं। इसलिए भगवान का पहले बताया ना, भगवान का जितने भक्त देखो, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अम्बरीश महाराज है, भरत महाराज है, युधिष्ठिर महाराज, सब राजा नहीं, जितने भगवान के भक्त देखो ना सब महाराज महाराज हैं, वो राजा नहीं, सबके सब बड़े बड़े महाराज हैं, साधारण ये कोई नहीं। लेकिन उनको दिए कब, जब देखा देने पर हजम हो सकता है, और जब भगवान दे रहे ना भक्त लेना नहीं चाह रहा थे, पहले जब भक्त चाह रहे थे भगवान नहीं दे रहे थे, जैसे ध्रुव जी है, ध्रुव जी पहले क्या चाह रहे थे, माता जी को राजमाता बनाओ और मैं स्वयं राजा बनू, पहले ये सोच रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हरि की भजन किया, भगवान की भक्ति की, जब भगवान उसको दर्शन दिए, बोले ध्रुव आज मैं तेरे को इतने वस्तु दूंगा, ऐसे चीज दूंगा जो साधारण देवादेवी दे ही नहीं सकते, वो दे ही नहीं सकते दूसरे देवादेवी, वो लिमिटेड है उनके पास में, लेकिन मैं इतने तुम्हें धन दो, मांगो तुम जी भर करके। लेकिन ध्रुव क्या कहते हैं, स्थाना विलासी, बोलो उसके बाद, तपसी स्थित अहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुज्यम काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मि भरम न जाचे। हैं, कहते प्रभु पहले तो मैं बेवकूफ था, मूर्ख था, हैं, इसलिए पहले मैं राज्य लोभ से मैंने आपको भजन करने के लिए आया था। अगर कोई व्यक्ति काच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उसको पारस मणि मिल जाए, जगत में इसे कौन सा बेकूफ होगा, मूर्ख होगा, जो पारस पत्र छोड़ करके ये टूटे फूटे हुए काच को ग्रहण करेगा। बोले प्रभु आपका जो चरण कमल है ना, बोले देव मुनिन्द्र कुज्यम, जिस चरण को पाने के लिए देव बड़े बड़े देवता मुनि लोग भी जिन चरणों को पाने के लिए कठोर तपस्या करते प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन आज वो दुर्लभ चरण हमें मिला, प्रभु मैं धन्य हो गया हूँ, प्रभु हमें बरम न जाच, हमें बर नहीं चाहिए, हमें तो केवल भक्तों का संग ही हमें प्रदान करो, हैं, केवल भक्त संग से तुम्हारी कथा भी गंगा में नित्य निरंतर में गोता लगाते रहो, मत केवल यही चाहिए। लेकिन जब भगवान दिए, बोले लोगे नहीं ना, मैं स्वयं देता हूँ, मैं स्वयं देता हूँ, जो लो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में दिव्य 36,000 साल तक तुम राजत्व करो निष्कंटक रूप में, उसको बाद में मेरे जैसे के बैकुंठ लोग तेरे लिए भी एक बैकुंठ बना दूंगा, जब तक दुनिया रहेगा ध्रुव लोग नाम से प्रसिद्ध होगा है, इसलिए अभी भी जिनका नाम का हम याद करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये महाप्रभु जब श्रीधर को पूछे, भैया क्या बात क्या है, ये छोटी सी झोपड़ी तुम्हारी 10 जगह पर गांठ पड़ा हुआ, खाने पीने का ठीक नहीं, ये क्यों कारण किया? अकेले जो भक्त लोग है ना, ये दुनिया की संपत्ति को संग्रह नहीं करते हैं, जो 2 दिन बाद में नष्ट हो जाएगा, ये वस्तु को भक्त लोग को संग्रह नहीं करते, वो ऐसे वस्तु संग्रह करते हैं, हैं, जो इसी जगत में भी रहे और उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, उसको बाद में आनंद ही आनंद है, हैं? अगर थोड़ी दिन के लिए अगर इसी जगत में साधन भजन अगर हमने सही सही कर लिया, फिर तो हमारे जन्म जन्मांतर सब सुधर जाएगा, हमारे जीवन सुधर जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते महाप्रभु जी है, जो चैतन्य महाप्रभु, फिर ये तो सड़ाईश्वर्य पूर्ण महाप्रभु, महाप्रभु कौन है, कृष्ण स्वयं। लेकिन ये रोज रोज क्या कर रहे हैं, श्रीधर को पास में जाते लड़ाई करते हैं, रोज जाकर लड़ाई कर रहे हैं, देख हमें कुछ देना ही पड़ेगा, है? श्रीधर कहता है प्रभु यहाँ पर कितने सारे दुकान है, और किसी दुकान में चले जाओ ना, और किसी दुकान में चले जाओ, तुम रोज रोज आकर के मेरे लड़ाई करके
रोज रोज लड़ाई करते हो। अब यहाँ सर बहुत सारी दुकानें जो जो बड़े बड़े दुकानदार ले जावे, तो साधारण दुकानदार हूँ है। फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले देखो अभी तो तुम तेरे पास में ना बहुत सारे गुप्त धन है, वो धन तो बाद में मेरे को मिलेगा, अभी ये धन तो पहले दो, बाद में ही सारे गुप्त धन मुझे मिलेगा। गुप्त धन क्या, इनके पास में भक्ति धन है, इनके पास में प्रेम धन, ये धन तो मेरे को मिलेगा बाद में, लेकिन अभी साधारण जो धन है ना तेरे पास में, जो केले का जो फूल है, मोचा है, थोड़ है, केले का पत्ता दो। बोले देखो पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा तुमको, और बढ़िया चीज चाहिए। फिर परेशानी, बोले फिर पैसा नहीं देगा तो बढ़िया चीज चाहिए है, पैसा देगा नहीं फिर बढ़िया चीज चाहिए। फिर श्रीधर सोचता है ये तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े है, अगर ये पिटाई करेगा तो कुछ कर नहीं सकता, अगर ये मारेगा तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए भैया अच्छा ही तो ले जा, तो ले जा भैया, झगड़ा भगड़ा मत क्या करो, बढ़िया से बढ़िया चीज ले जा। लेकिन और महाप्रभु क्या करते हैं, रोज हैं, रोज उसकी चीज से भोजन करते हैं, लाभ जो लकलकी लाभ का होता है ना, लकलकी लाभ के, और उसमें दूध और मिर्च डाल करके बंगाल में एक सुंदर सब्जी लाभ का एक बड़ी सुंदर सब्जी बनाते हैं, और वहां पर थोड़ और मुच्छा तो बहुत वह प्रसिद्ध है बंगाल में है, उसका बढ़िया सब्जी महाप्रभु उसका दिया हुआ वस्तु का भगवान ग्रहण करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते देखो, बोले कहते ना सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, दूर जो धन की में बात्यागी, साग भी दूर घर खाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई। भगवान क्या किया, भगवान क्या किया, बोले दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई। उन्होंने क्या किया, दुर्योधन की मेवा मिश्री को त्याग दे करके उन्होंने क्या करते हैं, विदुर जी के घर में जाकर के उन्होंने साग भाजी भगवान ग्रहण किया है, साग भाजी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो ये जो श्रीधर ये कितने सौभाग्यवान हैं, जिसकी रोज रोज ठाकुर जी जिनकी वस्तु को ग्रहण करती का साधारण बात। फिर यहाँ प्रभुपाद कहते हैं फिर महाप्रभु ये गरीब घर में क्यों आए, कहते महाप्रभु ये गरीब घर में ब्राह्मण घर में कहा सड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान, जब राम आए राजा घर में आए, कृष्ण भी आए नंद बाबा का घर में आए हैं, वो भी राजा घर में आए, लेकिन महाप्रभु ये दरिद्र घर में क्यों आए, ये साधारण जो ब्राह्मण घर में महाप्रभु क्यों आए। तो प्रभुपाद इसका कारण कहते, बोले कारण यही है, अगर ये धनी हो बन करके आते है ना इनको पास में तो किस चीज की कमी नहीं, फिर कहा क्यों जरूरत, क्या सब भक्तों को पास में जाकर लेने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी घर में माला माल है। लेकिन यहाँ पर केवल दूसरों भक्तों को ऊपर में भगवान कृपा करने के लिए है, इसलिए भक्त प्रभु द्रव्य प्रभु गाड़ी गाड़ी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु उलट नहीं चाहे। इसलिए जो भक्त हैं और नहीं देने पर भी महाप्रभु क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती उसका वस्तुओं को जोर जबरदस्ती ग्रहण करते हुए उसका कल्याण करते हैं। लेकिन अभक्त का वस्तु है दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर गाये, इसलिए महाप्रभु साधारण घर में आए भक्तों का वस्तुओं को ग्रहण करते हुए उनका जीवन को धन्य बनाने के लिए, उनके जीवन को धन्य बनाने के लिए महाप्रभु जी ये साधारण घर में महाप्रभु आए। इसलिए गत प्रभुपाद टीका में ये सब चीजों को टीका में लिखते हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री श्रीधर प्रभु की है, इसलिए पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि विभाव सिनेमा ने काजू पेस्ता बढ़िया भैया जी विभाव दूध दूध को गर्म करके जो राबड़ी भाबड़ी बनता है ना, हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण, सबके सब कीर्तन कर जोर जोर से, कोरोना वायरस दूर हो जाए। केवल इसी विषय को उपलक्ष्य करते हुए आप लोग जो दर्शन कर रहे हो, जहाँ जो व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं वहीं से सबके सब मीठी मीठी ताली को सेवा करते हुए केवल कोरोना वायरस के लिए
आप लोग सब कीर्तन करे सबके सब महाराज जी बोले सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कि जो कल है ना ये अक्षय तृतीया है कल इसको थोड़ा पास में ले आते हरे कृष्ण हाँ कल है अक्षय तृतीया आप लोग जो जो भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं कल ये विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टि का दिन कल है ये जो तृतीया शब्द है बोले तृतीया में अगर कोई काम करे तो वो सर्वसिद्ध होता है इसलिए कल का दिन ठाकुर जी ने ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि किया था हैं इसलिए क्योंकि उनका जो सृष्टि अक्षय रहे उनका सृष्टि शाश्वत अक्षय रहे इसलिए उसका नाम अक्षय तृतीया है और कल का दिन हमारे उस तरफ उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उसको पता है कल का दिन सब लोग हर मंदिर मंदिर में कुंज में पानी भर करके देते हैं कलश में पंखा देते हैं सत्तू देते हैं मिठाई देते हैं फल फूल लेकर के हर मंदिर मंदिर में देते हैं बोले क्यों देते हैं मंदिर मंदिर में बोले कारण है कल का दिन ही भगवान ने जितना गेहूं जब और मक्का जितने फल फूल कल ही भगवान ने सृष्टि किया था इसलिए भगवान ने सृष्टि किया दुनिया को इसलिए नियम किया है क्या करनी चाहिए उनकी कृपा से ही हमें ये सब चीज मिल रहा है इसलिए क्या करनी चाहिए इसलिए वो सब चीज को लेकर के हर मंदिर मंदिर में देते हैं ठाकुर जी अपने हमको संसार में स्थित रखने के लिए जिंदा रखने के लिए अपने सब चीज बनाया है इसलिए आप कृपा कर ग्रहण करो और आप आपको कृपा से ही संसार में हम जिंदे हैं अब कल जो कुछ काम हम करेंगे कहते उसका जो फल है वो अक्षय होगा फल कल जो कुछ करेंगे उसका फल क्या होगा अक्षय फल होगा इसलिए कल क्या करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ए बात मत करो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम कीर्तन भजन और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कल हमें भक्ति करनी चाहिए क्योंकि जो कुछ करेंगे उसका फल अक्षय फल मिलेगा और कल ऐसे एक दिन है जैसे हम जैसे किसी घर को ओपनिंग करने के लिए नहीं तो शादी करवा करने के लिए नहीं तो कोई भी शुभ काम करने के लिए हम ज्योतिष के पास में जाते हैं कोई बढ़िया दिन देख लो लेकिन कल ऐसे के दिन है कोई भी शुभ काम करने के लिए कोई दिन देखने का जरूरत नहीं आंख बंद करके भी कोई काम कल कर लो ना वो काम तुम्हारी सिद्ध हो जाएगा उसका फल अक्षय होगा इसलिए कल ये अक्षय तृतीया है और जो कल है ठाकुर जी के शरीर में कल क्या होगा चंदन लगे होगा कल से ही ज्यादा जो ठंडा धीरे धीरे कम हो जाएगा और कल से गर्मी ज्यादा शुरू होने वाले इसलिए ये जगन्नाथपुरी में 21 दिन तक यहाँ पर कितना दिन तक होता है हाँ 21 दिन बाहर और 21 दिन अंदर में ये जगन्नाथ जी को शरीर में चंदन की श्रृंगार कराते हैं ठाकुर जी को हाँ चंदन लागे होता है ठाकुर जी चंदन सरोवर में जल विहार करते हैं कृष्ण जैसे ब्रज में गोपियों को लेकर के यमुना में जल विहार करते हैं उसी तरह जगन्नाथ भी
21 दिन तक अलग अलग ठाकुर जी का वहां पर श्रृंगार होता है, ठाकुर जी को वहां पर जल विहार कराया जाता है कल से, और ठाकुर जी मंदिर मंदिर में ठाकुर को सारा शरीर में ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार होता है। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ये माधवेंद्रपुरी को स्वयं आदेश दिया है। क्या आदेश दिया? बोले माधवेंद्र, बड़े दिनों से मैं पड़ा हुआ था जंगल में, मेरे शरीर में बड़ा ताप है, इसलिए जाओ जगन्नाथपुरी से मल या चंदन लाओ और मेरे शरीर में लगाओ। भगवान स्वयं उनको आदेश देते हैं। कहते भगवान कैसे हैं? बोले निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान का शरीर करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा सुशीतल भगवान का शरीर, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मेरे शरीर में ताप नहीं जा रहा है, चंदन ला करके मेरे शरीर में लगा। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है, भगवान भक्तों को सेवा देना चाहते हैं, भक्तों को सेवा देना चाहते हैं। इसलिए किस किस मंदिर में जैसे बागवत जारी गौड़िया मठ है ना, वो 21 दिन तक तो पूरा चंदन कंटिन्यू घिसते हैं, वो 21 दिन तक ठाकुर को पूरा के पूरा 21 दिन तक ठाकुर जी को चंदन की श्रृंगार होता है। और कल हमारे वृंदावन मठ में भी बड़े सुंदर चंदन का श्रृंगार होगा। और कल तो मैं तो आज यहाँ रह गया, लेकिन कल तो हमारे बहुत दूर दूर देश से, और इतने भीड़ होता था वृंदावन में, आज रात को तो गाड़ी बंद कर देते थे, कल से तो बंद है, इतने लोगों की भीड़ होती थी। हाँ, इतने लोग आते थे। और कल श्री बांके बिहारी जी का चरण दर्शन के लिए भी हजार हजार बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते थे, हाँ, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। चंदन की वहां पर विशेष राधा दामोदर मंदिर में, राधा श्याम सुंदर मंदिर में, जो हमारी सात जो देवालय में ठाकुर को बड़े सुंदर चंदन की ठाकुर जी की श्रृंगार होता है। इसलिए कल श्री बद्रीनाथ जी का द्वार उद्घाटन भी कल ही है। और कल ही कल जो अक्षय पात्र है ना, जो जिसको पंच द्रौपदी के पास में जो अक्षय पात्र था, कहते कल का दिन ही सूर्य देवता ने ये द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, है अक्षय पात्र दिया था। बोले जब तक तुम भोजन नहीं करोगे तब तक ये पात्र कभी खाली होगा ही नहीं, लेकिन जब तुम भोजन कर लोगे ना फिर दुनिया किसको खिला नहीं सकती हो। इसलिए जो कल है महाभारत में, इसलिए कल का जो दिन है बड़ा महत्व का दिन कल है। इसलिए जो भक्त लोग हैं अपना अपना घर में कोशिश करना, जितना दूर हो सके अपना घर में जो ठाकुर होंगे उनको चंदन घिस करके ठाकुर जी के शरीर में चंदन का श्रृंगार करना, और कल ज्यादा से ज्यादा भजन, भगवान का हरिनाम, ठाकुर को सुंदर से श्रृंगार, विशेष विशेष करके ठाकुर जी को भोग राग विशेष विशेष करके कल होनी चाहिए। बस अक्षय तृतीया की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्वागत गौर भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रमानंदे